नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप बैंक अकाउंट के। हमने बहुत सारे अकाउंट की चर्चा की, अब आखिरी में रहा रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड। दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका एक खास दोस्त था, बहुत साल तक दोस्ती रही और अचानक दोस्ती टूट गई? ऐसा क्यों हुआ? अचानक नहीं टूटती है, उसकी टूटने की शुरुआत धीरे धीरे होती है। क्या होता है कि दोनों दोस्तों ने क्या करना चाहिए, अपने दोस्त के अकाउंट में डिपॉजिट करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं किया और विड्रॉल करते रहे तो दोस्ती नेचुरली टूट जाएगी। अब मान लीजिए आपका एक दोस्त है और आपने विड्रॉल करना शुरू किया तो वो आपकी दोस्ती तोड़ देगा, वो खुद छोड़ेगा। मगर उसने अगर विड्रॉल करना शुरू किया, बैलेंस कम हो गया तो आप उसको छोड़ दोगे? तो डिपेंड करता है कि कौन किसको छोड़ देगा। अब देखिए, दो अकाउंट होते हैं, आपका उसका साथ चल रहा है अकाउंट, तो आपका उसके साथ जो अकाउंट चल रहा है उसके अंदर डिपॉजिट्स होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और उनका आपके साथ चल रहा है उसके अंदर भी बैलेंस होना चाहिए। दोनों में जब बैलेंस अच्छा रहता है ना, तब ये दोस्ती पक्की रहती है। मगर दो में से एक अगर केयरलेस हो जाता है, विड्रॉल करता रहता है, तो फिर दोस्ती टूट जाती है, बैंक अकाउंट बंद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, आप कोई दोस्त को तो खोना नहीं चाहते ना, आप चाहते हैं ना कि आपके दोस्त हमेशा बने रहे। मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं जिनकी मेरी 55 ईयर से दोस्ती है, पूरी फैमिली के साथ है। ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनके 7 भाई और 7 के 7 भाई मेरे फ्रेंड हैं। ऐसा कभी देखा है? ऐसे 2 फैमिली है जो 7 भाई है, 7 के 7 भाई मेरे दोस्त है। ये तब होता है जब आप ये समझ लो, सीख लो और कॉन्शियसली उसमें डिपॉजिट करो, तब ऐसा होता है। चलिए तो देखते हैं कि अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में कैसा डिपॉजिट करना है। पहली बात है कि उनके लिए समय निकालिए, गपशप करने के लिए, चाय पानी पीने के लिए, ड्राइव पे जाने के लिए, एटलीस्ट फ़ोन पे बात करने के लिए। उनके घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है, तो उसमें ज़रूर हाजिर रहिए। उनको कोई तकलीफ़ है तो तकलीफ़ में उनको मदद करते रहिए, उनकी बातें सुनिए। और उनकी घर में कोई भी कुछ चीज़ हुई तो आप वहाँ हाजिर होने चाहिए, और उनका जो सीक्रेट है वो हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आज दोस्त है या नहीं है, सीक्रेट को कभी भी बाहर निकालना नहीं चाहिए। उनका बर्थडे है, उसमें विश करिए, और उनकी कोई भी सिद्धि होती है तो आप उसको विश करिए, उसने कुछ अचीवमेंट किया तो उसको विश करिए। बिन शर्ती माफ़ करिए, कोई गलती हो गई आपके दोस्त से तो उसको माफ़ कर दीजिए, बिन शर्ती प्रेम दीजिए। ये सब चीज़ें करने से क्या होता है कि आपका डिपॉजिट बढ़ता है, बैलेंस बढ़ता है। आप उसे अपेक्षा क्या है वो भी बता सकते हैं कि मैं तेरे से ये एक्सपेक्ट करता हूँ। ये करने से क्या होगा कि आपकी दोस्ती लंबी रहेगी। ऐसा नहीं करोगे तो टूट भी सकती है। तो क्या होता है जो विड्रॉल करता है, कौन सा ऐसा एक्शन है जो विड्रॉल करता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कि आप दोस्त के लिए टाइम ही मत निकालो, और वो जब कुछ बात करने को आए तो आप उसको सुना नहीं, सुनी अनसुनी कर दो। आप उसको कोई प्रॉमिस करो और पूरा नहीं करो, उनके बर्थडे को याद नहीं करो, उनके घर में कोई प्रसंग है तो आप हाजिर नहीं रहो, उनका कोई सीक्रेट आपके पास है वो किसी और को कह दो, और जब वो हाजिर नहीं है तो उनके बारे में कुछ अनशन बातें करो, उनकी कोई गलती होती है तो उसको माफ़ नहीं करो, बदला लेने की कोशिश करो, उन्होंने कुछ अचीवमेंट किया तो उसको आप ध्यान पे मत लो, और आपकी क्या अपेक्षा है वो क्लियर नहीं करो, और उसको प्रेम देने में भी शर्त रखो। तू मेरा दोस्त सही, मगर ऐसा करेगा तो ही, ऐसा मत करिए। देखिए, ये सब चीज़ें होती है जो आपको अपने दोस्त से दूर लेके जाती है और कभी दोस्ती टूट सकती है। दोस्तों, ये नहीं करना है आपको। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने हैं, लंबे समय तक बनाना है, और ऐसा करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी आपकी एक्टिविटी, कौन सा आपका काम उनके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा और आपका बैलेंस बढ़ाएगा। दोस्तों, और कुछ बातें करनी है। अगर आपका दो दोस्तों के बीच में बहुत अच्छा बैलेंस है तो आपकी दोस्ती की क्वालिटी क्या रहेगी? वो आपके साथ हमेशा खुश रहेगा, जब भी मिलेगा बहुत हंसी खुशी के साथ मिलेगा, उसका मूड अच्छा रहेगा। आपको कोई दिल की बात कहनी है तो वो इंसान है जिनको आप कह सकते हैं। जब आपके जीवन में कोई तकलीफ आती है तो वही इंसान है जो आपके बाजू में खड़ा रह जाएगा, बोल क्या चाहिए तुम्हें। आप चाहे तो उनको एडवाइस भी दे सकते हैं, उनको कभी उसने कुछ गलत काम किया तो कान भी पकड़ सकते हैं,
अगर आपका बैलेंस है तो ही, नहीं तो कान मत पकड़ना, नहीं तो पड़ेगी आपको। पहले देख लेना कितना बैलेंस है, अगर बहुत अच्छा बैलेंस है और उसने कुछ गलती किया तो आप कान पकड़ सकते हैं उसका, और आपने कुछ गलती किया तो भूल वो माफ़ भी कर देगा और आपको कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा। ये तब होगा जब आपका आपके दोस्त के साथ अच्छा बैलेंस रहेगा। तब बैलेंस अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपके लिए समय नहीं निकालेगा, आपको कोई मदद नहीं करेगा, गलती होगी तो भारी पड़ेगी, और जब आपको कोई तकलीफ होगी तो हेल्प में नहीं आएगा, और कभी भी अच्छा दोस्त का दावा आप नहीं कर पाओगे उसके लिए। और आपने कोई गलती किया तो उसका रिजल्ट भी गलत हो सकता है और आप हमेशा अकेला महसूस करोगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोस्ती की क्वालिटी बनाए रखें और ध्यान में रखें, कोई भी दोस्ती टूटने मत दीजिए। शोले की दोस्ती याद है ना, गाना याद है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दोनों ने एक दूसरे के अकाउंट में कितना डिपॉजिट किया था, कितना बड़ा बड़ा याद है, उसने तो जान दे के डिपॉजिट किया था, उसने तो सिक्का गलत बना दिया था, दोनों बाजू हेड बना दिया था। जय और वीरू की दोस्ती याद करिए दोस्तों। एक बात समझ लीजिए, आप एक छोटा सा पॉजिटिव काम करोगे, छोटा या बड़ा, तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि मैंने कितना डिपॉजिट किया, मगर आप विड्रॉल करते हैं तो छोटे से छोटा चीज भी बड़ा विड्रॉल कर सकती है, आप अंदाजा लगा नहीं सकते। मेरे एक दोस्त की शादी में मैं नहीं पहुंच पाया था तो उसने मेरे साथ कितने साल तक दोस्ती तोड़ दी थी। देखिए, छोटी सी गलती थी, गलती भी नहीं थी, मजबूरी थी, तो आपको ये पता नहीं कि आपका छोटा छोटा कोई विड्रॉल कितना बड़ा रिजल्ट दे सकता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहिए, कॉन्शियसली कोई भी विड्रॉल नहीं करिए, सिर्फ कॉन्शियसली डिपॉजिट ही करिए। कभी गलती से कोई विड्रॉल हो जाए तो माफ़ हो जाएगा, मगर कॉन्शियसली कभी गलती तो मत करिए। दूसरी चीज़ है, जब नज़दीक रहते हैं ना दो लोग तो ऑटोमेटिक विड्रॉल बहुत होता है, ऑटोमेटिक विड्रॉल से डरिए। डरिए यानी आप कॉन्शियसली कंटिन्यूसली डिपॉजिट करते रहिए, जैसे हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, फादर मदर बच्चे के साथ रहते हैं, वहाँ भी कंटिन्यूस डिपॉजिट जरूरत है। बॉस एंड कर्मचारी, वहाँ भी कंटिन्यूस डिपॉजिट करना जरूरी है, क्योंकि उसमें भी ऑटोमेटिक विड्रॉल चलता रहता है। उससे क्या होगा कि आप गलती से भी कभी माइनस बैलेंस में नहीं चले जाएंगे। और एक बात है, जब रिलेशनशिप बिगड़ने लगती है तो हम क्या करते हैं, डर जाते हैं और नेगेटिव बन जाते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। आपके कोई रिलेशनशिप बिगड़ रही है, बिगड़ चुकी है, तो आप ये सोचिए कि ये रिलेशनशिप इम्प्रूव करने का एक मौका है। ये कारण है कि मेरा बैलेंस कम हो गया था, जो मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो भगवान ने मुझे मौका दिया, मुझे वार्निंग दिया कि इसकी रिलेशनशिप संभाल ले और डिपॉजिट करना शुरू कर दे ताकि बैलेंस फिर से बढ़ जाए। तो जब भी कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है आपके वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बॉस के साथ, तो इसको एक तक समझिए, एक मौका समझिए कि भगवान ने मुझे मौका दिया, मुझे जागना पड़ेगा, मुझे अभी डिपॉजिट करना पड़ेगा और बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, चाइना में एक बाम्बू होता है जिसकी कहानी शायद आपने सुनी होगी। ये बाम्बू की खास बात क्या है, लोग क्यों इसके एग्जांपल देते हैं, क्योंकि बाम्बू को आप जब जमीन में लगाते हैं, बोते हैं, इतना 4 इंच का होता है, मगर होता क्या है कि वो 4 इंच तक वो बढ़ता ही नहीं, ऐसा क्या ऐसा रहता है। आपको चिंता होती है, अरे 4 साल से ये बढ़ रहा है नहीं रहा, क्या बात है। वो टाइम पे वो क्या करता है, मतलब नीचे बढ़ता है, उसके मूल और अंदर डालता रहता है, अपनी पकड़ को मजबूत करता है। और एक बार पकड़ मजबूत हो गई ना, फिर 5वें साल पे वो 80 फीट का लंबा हो जाता है। ये चाइनीज बाम्बू की खास कहानी है। देखिए, ये रिलेशनशिप में भी चाइनीज बाम्बू को आपको याद रखना पड़ेगा। जब आपकी बिगड़ी हुई रिलेशनशिप आप सुधारने को जाओगे ना, तो इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। पहले तो वो डाउट करेगा कि आदमी को क्या हो गया, इसका तो ऐसा बिहेवियर नहीं था, पहले तो गलत बिहेवियर था, अभी ऐसा क्यों कर रहा है। शंका के नज़र से देखेगा, वो बिल्कुल प्रतिभाव नहीं देगा आपको। वो टाइम पे जब आप उतावले हो जाए ना, तो आपको याद रखना है चाइनीज बाम्बू को, 4 साल तक रिजल्ट नहीं मिला था। तो जब आप सब्र रखोगे तब हो सकता है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। याद रखिए चाइनीज बाम्बू की कहानी दोस्तों, पूरा ये सब्जेक्ट याद रखिए। अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली ना, तो आपके जीवन में जो खुशियाँ चाहिए ना जरूर मिलेगी। कोई सवाल है तो हमें लिखते रहिए हमारे ईमेल आईडी पे, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है स्नेह का झरना, जरूर पढ़िए। नमस्कार दोस्तों।